मालिक वो देखो आप, कह रहे, आप पूछ रहे थे मुझसे, मैं बता रही हूँ आपको, दूसरे की मैली शर्ट बताकर या दिखाकर अपनी शर्ट की सफेदी या चमकार नहीं पढ़ाई जाती। यही तो मैं चेक कह रहा हूँ आप लोगों से। हाँ यही मैं आपको कह रही हूँ, बस यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं आपको कह रही हूँ। बहुत जगह है, बहुत जगह है। अरे आप ही से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ करिए, आपने कहा फला जगह से पकड़ा गया, फला जगह से पकड़ा गया, मैं इनकार कब कर रहा हूँ? मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, आतंकवादी जहाँ होगा पकड़ा जाएगा, लेकिन आतंकवाद का आरोप तो साध्वी पर भी है, उसको तो आपने एमपी बना दिया, नंगा करके नहला रहा। अरे बोलना। वो आतंकवाद का आरोप तो भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी पर भी था, आरएसएस के प्रचारक, तो क्या आप सारे ऑफिस तोड़ दीजिएगा उनके? ये बोलती क्यों बंद हो गई? ये बोले ना। अरे लेडाल हीरो, लेडाल। उनको तो जेल हुई, उनको उम्र कैद की सजा हुई। अब ये फिर वही बात है कि दूसरे की मैली कमीज दिखाने की कोशिश और अपनी चमकार बढ़ाने की कोशिश। आपकी कमी क्यों नाम नहीं लिया आपने? आपकी कमी साफ नहीं होगी, इससे कमी साफ नहीं होगी सर। आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मैं आपकी कमी, आपको मुद्दे पर बात करने के लिए साफ ही नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ब्लैक पहना हुआ। मैं तो आपकी कमीज जो आप छुपा रही थी वो दिखा रहा था। मैंने ब्लैक पहना हुआ है। आप अपनी कमीज छुपाए ले रही थी बस। आप अपनी सफेदी को बैग में रखकर छुपा रही थी, वो दिखा रहा था आपकी कमीज। आप एंकर से लड़ने लग जाते हैं सर, मेरे से लड़ने से वोट नहीं मिलेगा, ओपोनेंट से लड़िए। एंकर खुद ही कूदा पड़ रहा है बीच में। सवाल पूछ रहा है एंकर, एंकर सवाल पूछ रहा है आपके, और आप सवालों से परे नहीं है। प्रवक्ता क्यों नहीं? आप सवालों से परे नहीं है। आपको सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया सैयद असीम वकार, इससे मैं डरती नहीं हूँ। अरे आप खुद ही कूद पड़ती है बीच में, अब आप क्या बीजेपी प्रवक्ता नहीं, क्या करिएगा? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मैं आपसे डरती नहीं सर, मुझे बस ये बता दीजिए जो सवाल अभी फिरोज बख्त ने उठाया उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अगर मदरसों में मैंने जवाब चीजें सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सरकार ये दलील दे रही है कि हम सबका साथ सबका विकास में यकीन करते हैं, हम चाहते हैं इन मदरसों में हमारी योजनाएं जो है उसका लाभ पहुंचे, दिक्कत कहां है? जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए फिरोज बख्त साहब तो ना सरकार में है, ना आरएसएस में, ना बीजेपी में, लेकिन मैंने सरवार जो क्वेश्चन था वो पूछा था सरकार के मंत्री से, दानिश आजाद अंसारी साहब से, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। कई चैनल के पत्रकार गए, उन्होंने कहा नहीं मैं इस पर बोलूंगा ही नहीं। मैंने उनसे पूछा था कि आपका जो बजट है मदरसों के विकास के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, मुसलमानों डेवलपमेंट के लिए, वो है 1782 करोड़ साल का, 2223 का जो बजट आपने दिया, 1 रुपये 22 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति ईयर प्रतिदिन, 1 रुपये 22 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आप मुसलमानों का पूरा विकास कर देंगे? कौन सा जादू है आपके पास भाई? मैं जानना चाह रहा हूँ, आप इतना विकास 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 चिल्ला रहे हैं, 1 रुपये 22। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो, जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो।